मजा आ रहा है, नजारे यही है। पहले आओ पहले पाओ। यो रामा कहाँ जा रहे हो, तुम्हें छोड़ के कहाँ जा रही हो? हो जाता भाई, बेइज्जती मत करवा दियो। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं जवाद, आप सभी का स्वागत करता हूँ इस नए व्लॉग में। आप लोग कैसे, उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने कामों में थोड़े थोड़े से व्यस्त होंगे। तो जाओ और मज़े से सारा एपिसोड आप देखो। क्या लास्ट वाला एपिसोड जो है ना, यहीं पे हम ख़त्म किए थे और उसका नेक्स्ट एपिसोड यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी जो गाड़ी को है ना, रियाद राइड करेगा और हम पीछे एज ए पिलियन बैठ के जाएंगे। तो जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे तो हमें क्या दिखा, इधर एक सस्पेंशन ब्रिज है, तो चलते हैं वहाँ सस्पेंशन ब्रिज पे और मज़े लेते हैं फ्री फोकट का। पहले सबको आने देते हैं, उसके बाद वहाँ पे चलेंगे। यहाँ पे अपने सारे राइडर्स आ गए और हम लोग जा रहे हैं वह सस्पेंशन ब्रिज पे। देखो नेपाल में आने का एक ये फ़ायदा है, यही अगर सस्पेंशन ब्रिज वहाँ जाना रहता, क्या बोलते हैं, पटना में सॉरी राजगीर में, तो वहाँ पैसा लगता। लेकिन यहाँ जो है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप जा सकते हो। एक तो ये वाला है और एक आगे है रे बाबा। सस्पेंशन तो नहीं बोल सकते हैं, सस्पेंशन ही है, क्या है। ओहो, ओ वहाँ देखो वो सारे लोग वहाँ ना पार्टी कर रहे हैं। ओ भाई साहब क्या मज़ा आ रहा है नज़ारे। वही तो, राजगीर में अगर रहते हैं तो पैसा लगता है इसका, और यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट में जितना मर्जी रहो, कोई बोलने वाला नहीं कोई कुछ। तो अभी जो है ना, हम चलते चलते जो है ना, यहाँ देखो नीचे जा रहे हैं। नीचे जाके पानी के साथ थोड़ी बहुत मस्ती करेंगे, उसके बाद फिर ऊपर आएंगे। बाकी ये लोग अपना रील्स वगैरह जो कुछ शूट करना होगा सारे लोग कर लेंगे आपस में। और जो है ना, यहाँ पे ये माइक वगैरह कुछ भी नहीं लगा के ये कर रहा हूँ, ताकि आपको जो है ना नेचर का जो साउंड होता है वो भी आपको मिले, और मेरा साउंड तो मिल ही रहा है। चेक करो कितना दूर तक है, और ऊपर चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है। तो सॉरी मैं जा रहा था नीचे, चलते हैं आपको नीचे लेके, और पानी के साथ थोड़ा मस्ती करेंगे, खेलेंगे। बाकी ये लोग का रहन दो ऊपर ही। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, कहीं दौड़ा न दे। सलमान भाई जंप ना भाई ना, फिर भाभी जी फिर मसला हो जाएगा घर पे। तो धूप की वजह से ना वो व्यूज जो है ना क्लियर नहीं आ रहा है सामने से, उस साइड से लेंगे तो सही आएगा। और अपन पानी के नज़दीक आ गए, और ये लोग ऊपर में, थोड़े लोग वहाँ पे फ़ोटो शूट कर रहे हैं। मैं भी DSLR लाया लेकिन मन नहीं कर रहा निकालने का। अरे यहाँ पे देखो विवेक भी है ना, आ गया। हम तो समझे कि भैया लोग ही कर रहे नहा रहे थे, लेकिन विवेक भी यहाँ पे आ गया। यहाँ से डालो ना, यहाँ से डालो ना। वाला ना कुछ। तो अभी जो है ना इनका बैग उठाएंगे। देखो ब्लॉग बनाने वाला है, 1 मिनट रुकिए। फिर से ऊपर फेंकिए, तो फिर से ऊपर फेंके भाई, नहीं जाएगा। तो बनाएंगे, नहीं जाएगा भाई, एक बार ट्राई करिए। ट्राई नहीं कर सकते, जाएगा ही नहीं। तो इसमें जो है ना विवेक का कपड़ा वगैरह है, तो वही देने जा रहे हैं, और वो जो है ना वहाँ पे नहा रहा है। तो पानी के अंदर थोड़ा सा क्लिप लेंगे, ज्यादा डीप करेंगे तो क्या अपना GoPro खराब हो जाएगा। अब हम जो है ना जा रहे ऊपर,
और अभी निकलेंगे क्योंकि जितना यहाँ पे लेट करेंगे आगे उतना ही लेट होगा हम लोग को, तो फटाफट से ऊपर चलते हैं। मैं तो ऐसे अभी पैदल पैदल गया था, लेकिन सब लोग डिसाइड किए कि वहाँ एक रास्ता है, वो रास्ते से ना सब लोग बाइक नीचे लाएंगे, उसके बाद ग्रुप फ़ोटोज़ वगैरह लेंगे। अब देखो क्या होता है। पानी देखो कितना क्रिस्टल है, अंदर का जो पत्थर वगैरह वो दिख रहा है, आप लोग को शायद ही दिख रहा होगा। ये वाला जो रोड है ना ऑफ रोडिंग रोड है, और सारे लोग पहले पहुंच गए और मैं ही लेट से पहुंच रहा, तो देख रहे हो सब लोग क्या किए हैं। थोड़े लोग क्रॉस कर लिए, क्रॉस करके फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह ले रहे हैं, तो हम भी इसको क्रॉस पहले करते हैं, उसके बाद थोड़ा रील्स वगैरह जो है ना वो बनाएंगे। देख रहे हो सबका पहले आने का फ़ायदा यही है, पहले आओ पहले पाओ। तो चलो कोई नहीं, अब हम भी यहाँ पे रुकते हैं और यहाँ पे जो है ना रियाज वीडियो ले रहा था DSLR में, तो वो भी वीडियो अगर अच्छी होगी तो वो भी आप लोग के साथ शेयर कर देंगे। तो ऊपर से तो नज़ारा दिखा दिया था, अब नीचे से एक बार चेकआउट करो कितना मस्त व्यू है। मतलब यहाँ आने के बाद मन नहीं कर रहा है कि हम लोग कहीं जाए, और उधर सब जो है ना रील्स वगैरह बना रहा है, बम बम भाई लोग रील्स बना रहे हैं, यहाँ पे फ़ोटो शूट वगैरह हो रहा है। और तो अभी हम लोग ना ये सब करके जल्दी निकलते हैं क्योंकि हम लोग को लेट भी हो रहा है। A few moments later. हम लोग निकल रहे हैं मस्ती वस्ती करके, तो ऊपर थोड़ी देर रुकेंगे, सारे राइडर जब ऊपर रोड पे आ जाएंगे तब जाके हम लोग जो है ना तब जाके हम लोग क्या करेंगे निकलेंगे। तो यहाँ पे जो है ना ऑफ रोडिंग वाली फीलिंग आ रही है, इसलिए मैं जो है ना खड़ा हो गया हूँ, खड़ा होकर गाड़ी चला रहा हूँ। आय अयो यो अयो रामा, कहाँ जा रहे हो तुम्हें छोड़ के, कहाँ जा रही हो? तो यहाँ पे रुकते हैं, सारे राइडर जब ऊपर आ जाएंगे तब आगे हम चलते हैं। तो सारे लोग ऊपर आ गए हैं, दो गाड़ी ऊपर गई, मतलब दो गाड़ी आगे निकल गई है और छह गाड़ी ये रही, तो हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ जो मस्त वाली धूप है, ठंड का कोई पता नहीं है, लेकिन पता है हम लोग को जाते जाते ठंड हो जाएगी, शाम हो जाएगी। शाम तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि 3:50 यानी कि 4 बजे का टाइम बता रहा है, अगर बीच में रुक गया करा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलो चलो ओवरटेक करने का मतलब बहुत रिस्क लेके करना पड़ेगा, तो वो गाड़ी भाई लीन होती है क्या ही बताएं। तो अभी जो है ना सारे लोग जो है ना ये रोड से यूज टू हो गए हैं, यानी कि अच्छा 60-70 किलोमीटर चलाए हैं, तो सबको चलाने मतलब समझ आ गया और डर निकल गया, तो वैसे ही स्पीड में जो 60-70 की स्पीड मेंटेन करके निकल रहे हम लोग, ताकि जल्दी अपने मुकाम पे पहुंच जाए, यानी कि अपने प्यारे वतन इंडिया पहुंच जाए। पहुंचना तो है ही है, लेकिन जल्दी पहुंचने का जो बात है ना वो कुछ अलग ही है। और यहाँ पे जो 3:36 बता रहा, और हम लोग को जो टाइम लगेगा ना वहाँ से भी टाइम लगने का चांस है, मतलब चांस क्या यार लगेगा ही, बॉर्डर से जो हम घर तक जाएंगे तो उसमें कम से कम 2 घंटा लेगा ही लेगा वो।
तो इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा स्पीड निकले। तो यहाँ पे जो है ना हर्षित की गाड़ी फिर से बंद हो गई है, तो वही बैटरी इशू हो रहा है, पता नहीं बार क्यों ऐसा हो रहा है। चाबी लगाइए, आप हो जाएगा। हम हाथ लगाते ना, हम हाथ लगाते तो हो जाता भाई, बेइज्जती मत करवा दियो। हाँ ये ढीला है, ये ढीला है, इसको टाइट करवाओ। तो पेट्रोल पंप पे यहाँ पे रुके थे पेट्रोल लेने के लिए, तो पेट्रोल लेके ले लिए हैं। अब वही हर्षित की गाड़ी निकलने के टाइम स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो वही चेक किए। तो वो उनका जो नया बैटरी लगाया ना, वो सही से उसका नट जो है ना टाइट नहीं किया, इसलिए वो क्या हुआ बार बार उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाती है। तो एक टाइम अपडेट दे दूँ कि अभी जो है ना 2:40 हो रहा है, और हम लोग को यहाँ से जो दरभंगा है 134 किलोमीटर है, और एस्टिमेटेड टाइम 6 बजे शाम में बता रहा है, लेकिन 6 बजे भी पहुंच सकते हैं, उससे पहले भी पहुंच सकते हैं, उसके बाद भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये भाई ये मशीन है, कब किसकी मशीन क्या हाथ दे दे। अब मेरी मान के चलो ठीक चल रही है, दूसरे की ख़राब हो गई, कुछ हो गई, तो रुकना पड़ जाएगा, साथ में है तो देखते हैं कि कब तक घर पहुँचते हैं हम लोग। अरे बापरे, सडन से ये आना बड़ा मसला है भाई साहब। जो रोड है, जो हिसाब से यहाँ पे जिगजैग और कॉर्नरिंग इतनी है ना, कि अगर जो बंदा यहाँ पे परफेक्टली चला लेगा ना, वो लीन में एक्सपर्ट हो सकता है। हर 10-20 मीटर के पास बाद एक कॉर्नर आ जाता है, जिसमें गाड़ी लीन होती ही होती है, ना ज़्यादा लेकिन थोड़ी थोड़ी होती ही है। तो दोस्तों आज का जो व्लॉग है वो यहीं तक है, यानी कि आज की राइड यहीं तक है। हम लोग जो है ना जनकपुर तक गए थे, लेकिन मेरे जो गोप्रो की बैटरी है ना वो डाउन हो गई थी, जिसकी वजह से गोप्रो बंद हो गया था। तो इसके आगे का जनकपुर पहुंचने के बाद मैं जो है ना उसकी बैटरी चेंज किया था, और वहाँ से फिर आगे का जो व्लॉग है वो कंटिन्यू किया था। तो आगे चल के जो है ना, मतलब वो जो है नेक्स्ट एपिसोड है उसमें आ जाएगा। और ये देखो, हाय कर दो, हाय। तो आपसे मुलाकात तो करते हैं अगली वीडियो में, जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय कर दो अब।